खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा है। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में दूर दूर से आए फरियादी अपनी समस्याओं को सुना रहे हैं, तो फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। महागठबंधन की सरकार यानी नई सरकार बनने के बाद यह पहला दरबार है सीएम नीतीश कुमार का, और ऐसे में अलग अलग जिलों से आकर फरियादी उन्हें अपनी समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत कर नीतीश कुमार अहम निर्देश दे रहे हैं, और ये निर्देश भी दिया जा रहा है कि जितने भी फरियादी हैं उनकी समस्याओं को जल्द सुलझाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार शुरू हो चुका है। नई सरकार बनने के बाद यह पहला दरबार है जहां दूर दूर से आए फरियादी अपनी फरियादियों को सुना रहे हैं। तो यह है नीतीश कुमार का जनता दरबार जहां नीतीश कुमार दूर दूर से आए फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो भी फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं उनकी समस्याओं का जल्द ही निदान हो। फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। और यह तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार की जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं। बता दें आपको कि नई सरकार के गठन के बाद यह पहला दरबार लगा है जहां सीएम लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। उस जमीन 1978 में सीज हुई थी, उसका आज तक मुआवजा नहीं मिला है, और उसी से सटा हुआ फ्रेश जमीन जो था 9 एकड़ 54 जिसमें, उसको भी कृषि बाजार समिति अपने हाथे में। तो नीतीश कुमार का जनता दरबार है जहां नीतीश कुमार लोगों से जुड़ रहे हैं, उनकी फरियादों को सुन रहे हैं और लोग लगातार उनसे अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। समस्याओं का निदान किस तरह से हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने वो अपनी परेशानियों को रख रहे हैं। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर के अलावा कई अधिकारी जनता दरबार में मौजूद रहते हैं, कई विभाग के अधिकारी, कई विभाग के मंत्री, ताकि जिस विभाग की समस्या को नीतीश कुमार सुन रहे हैं उन समस्याओं का त्वरित निदान हो सके। 18 से ही, लेकिन ये ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर रहा तो नहीं देता। हेलो, अरे भाई मुंगेर से आए, इनको ऑफलाइन का 18 से ही, लेकिन ये ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर रहा तो नहीं देता है। इसको कह रहा है कि 50,000 रुपया कर्जा मांगता है, ये सब जरा देख लीजिए इसको मजबूती से।